जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपकी बात करेंगे कि ICAR में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है ना, कितने नंबर की आवश्यकता होती है सिलेक्शन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने नंबर की आवश्यकता होती है, AWS के लिए कितनी आवश्यकता होती है, SC ST PWD सारी कैटेगरी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात करेंगे कि BSc कोर्सेज के लिए जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनको, उनके लिए जो है सेफ मार्क कितने चाहिए रहते हैं, मतलब जिनके लिए उनके जितने में उनका सिलेक्शन हो जाए, मतलब मिनिमम नंबर की बात करेंगे कि हाँ सेफ मार्क कितने चाहिए रहते हैं फॉर BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री के लिए। कैटेगरी वाइज अपन जो है इन कोर्सेज का एनालिसिस करेंगे कि आपके जो BSc कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए BSc एग्रीकल्चर की कितने नंबर की आवश्यकता है, हॉर्टिकल्चर के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, या फॉरेस्ट्री के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। सेकंड आपकी हम बात करेंगे BTech कोर्सेज के बारे में, जो BTech आपके कोर्सेज होते हैं इनके सेफ मार्क के बारे में बात करेंगे कि इनके कितने नंबर में, कितने नंबर क्राइटेरिया के अंदर जो है स्टूडेंट्स आपके सेफ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है BTech कोर्सेज के अंदर आपके डेयरी टेक्नोलॉजी संबंधित कोर्सेज चलते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, एग्री टेक्नोलॉजी, तो ऐसे संबंधित आपके कोर्सेज चलते हैं, तो इन कोर्सेज के लिए आपके कितने नंबर, कितना आपको जो एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा कि आप जो है इसके अंदर आ सकते हो। देखो अपन फिक्स मतलब ऐसा तो बात करेंगे नहीं, अपन बात करेंगे कि रेशो के हिसाब से, मतलब कि हाँ ये इतने नंबर तक आप जो है सेफ हो, बाकी कट ऑफ का किसी को भी पता नहीं रह सकता है कि कट ऑफ कितना जाता है, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के बाद ही पता लगती हैं। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि लास्ट टाइम पे सिलेबस कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि सर लास्ट टाइम पे आपके जो PCB ग्रुप से या PCA ग्रुप से स्टूडेंट्स होते हैं ये लास्ट टाइम पे सिलेबस को कैसे मैनेज करें। तो इन सब चीज़ों से आपको पता है कि अधिकतर स्टूडेंट का एक डाउट होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कि ये टॉपिक है इनको कैसे तैयार करें, तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे, इस टॉपिक को अपन कैसे तैयार करें, आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या आपके एग्रीकल्चर के हो गए, या बायोलॉजी के टॉपिक्स हो गए, इनको अपन कैसे कवर करें। तो इन सब चीज़ों को जो है अपन एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सारा एनालिसिस करेंगे आपका, है ना। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि आप कैसे कैसे इन टॉपिक्स को मैनेज करें, क्या करना पड़ेगा आपको टॉपिक को मैनेज करने के लिए। तो आइए इन सब चीजों को जो अपन स्क्रीन पर संपूर्ण एनालिसिस के साथ समझते हैं। सबसे पहले आपके जो हम नंबर की बात करेंगे, सेकंड आपके जो हम सिलेबस को कैसे मैनेज करें इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आइए अपन इस चीज को जो है स्क्रीन पर समझते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो BSc कोर्सेज के लिए अपन बात करेंगे सबसे पहले सेफ मार्क के बारे में कि सेफ मार्क कितने हैं आपके जो है, किसके अंदर आप जो है सेफ हो सकते हो कि इतने नंबर आपको जो है लाने ही पड़ेंगे BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्सेज के लिए। तो आप देखिए कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हो सबसे पहले अपन बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेफ मार्क कम से कम 400 प्लस नंबर उनको लाने पड़ेंगे अगर उनको BSc एग्रीकल्चर लेना है, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर ICAR का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका एग्रीकल्चर कोर्सेज में होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा आपका हाई कट ऑफ जाता है। कौन से कोर्सेज में, एग्रीकल्चर कोर्सेज में, BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के जो कोर्सेज रहते हैं इनमें सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ जाता है ना। तो इसमें आपके जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मिनिमम अगर हम बात करें तो आपको 400 प्लस नंबर चाहिए रहेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। और इसी टाइप से अगर बात करें EWS और OBC तो आप देख सकते हैं 370 प्लस मार्क्स अगर उनको चाहिए रहेंगे, मार्क नंबर उनको कम से कम 370 प्लस का स्कोर करना रहेगा सेफ मार्क के लिए, अगर सेफ जोन में उनको रहना है तो EWS या OBC का तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो कम से कम उनको मिनिमम 370 नंबर प्लस करने पड़ेंगे तब जाके उनको BSc एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज हैं वो मिल पाएंगे। बाकी आपको अगर आपके नंबर इससे कम रहते हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर वगैरह या फॉरेस्ट्री मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके नंबर कम रहते हैं 400 BSc एग्रीकल्चर तो 400 प्लस पे ही मिलेगा आपको, बाकी अगर इससे आपके कम नंबर रहते हैं 370 या 200 तो जैसे जनरल कैटेगरी कोई स्टूडेंट्स अगर उसके 370 नंबर है, ठीक है, तो उसको जो है फाइनली हॉर्टिकल्चर तो मिल जाएगा बट उसको BSc एग्रीकल्चर मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि जो EWS कैटेगरी के और OBC के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 370 आपका सेफ मार्क है, और SC जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 290 नंबर मिनिमम मतलब उनको चाहिए रहेंगे, ये क्राइटेरिया है 290 नंबर। और इसी प्रकार से जो आपके विकलांग स्टूडेंट PWD के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 120 नंबर में आराम से इनका सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ इनको इनका थोड़ा सा सही होना चाहिए नंबर, इनके मार्क जो है सही से होने चाहिए 120 के आसपास स्कोर अगर कर लिया इन्हें तो आराम से इनको BSc एग्रीकल्चर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेफ मार्क था कौन सा, BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हो अगर इतना आपने स्कोर कर लिया, ठीक है, अगर
आपका स्कोर अगर आपने इतना कर लिया बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपको फाइनली एग्जाम आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने से कोई नहीं रोक सकता, बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। अगर आपके कैटेगरी वाइज नंबर थोड़ा कम रहते तो फिर हॉर्टिकल्चर या और भी कम रहते तो फिर फॉरेस्ट्री मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, इसलिए आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले भाई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आईसीआर में सारी टॉप की आपकी टॉप रैंक है यूनिवर्सिटी से बहुत सारी, इनके बारे में भी अपन ने बात की है वीडियोज़ में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसी प्रकार से बीटेक स्टूडेंट्स के बारे में कि आपके बीटेक के जो कोर्सेज चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है बीटेक में आपके कौन कौन से डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री टेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, ये आपके कोर्सेज चलते हैं, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है इनके इनका कट ऑफ रहता है वो कम ही रहता है, बीएससी एग्रीकल्चर की अपेक्षा इनका कट ऑफ क्या रहता है, कम रहता है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। तो आप ये देख सकते हो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं मिनिमम 350 नंबर उनको चाहिए रहेंगे औसतन सिलेक्शन के लिए। कितने नंबर? 350 में इनको आराम से डेयरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। आपको पता है थोड़ा अलग अलग रैंक पे जो है ये नंबर अलग अलग जो सीटें आपको अलॉट होती है, अलग अलग कोर्सेस अलॉट होते हैं। आपको पता है काउंसलिंग में सारी आपको कॉलेज भरने पड़ते हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें सब पता होंगी, काउंसलिंग में आपको सारे कॉलेज भरने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये सारे कॉलेजेस अपने को फिल करने रहते हैं। तो ये आपका जो रहता है जैसे कि आपके कम नंबर है तो फिर आपको फूड टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसे आपके ये चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। बाकी डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में, और अभी के फिलहाल के टाइम में डेयरी टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्कोप है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनके लिए कम से कम 350 नंबर तो उनको मिनिमम करने रहते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट्स मिनिमम 300 नंबर उनको स्कोर करना रहता है, मिनिमम बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 300 प्लस नंबर उनको चाहिए रहेंगे तब उनको जाके ये कोर्सेस मिलेंगे, बेस्ट बेस्ट कोर्सेस। बाकी आपके बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं इसी टाइप से, आप देख सकते हो एससी और एसटी कैटेगरी के, तो उनको जो है आपके 270 प्लस नंबर करने रहेंगे जो आपके एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये अपने जो है टोटल एनालिसिस आपका कर लिया कोर्सेज वाइज, आप देख सकते हो जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के थे और हॉर्टिकल्चर के, तो इनके बारे में अपने ने और डेयरी टेक्नोलॉजी आपके बीटेक, तो इनके सेफ मार्क के बारे में अपने जान लिया कि भाई इतने नंबर आपको चाहिए रहेंगे, तब आपको जाके ये बेस्ट कॉलेजेस जो है मिल पाएंगे, आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि लास्ट के जो है मंथ में टू मंथ में टॉपिक को कैसे मैनेज करें। तो आप ये देख सकते हो ये रूल आपको अगर अपने अपना लिए तो बिल्कुल आप जो है सफल हो जाओगे, बिल्कुल आपके सारे कोर्सेस और टाइम टेबल जो टॉपिक है सारे आपके मैनेज हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का, इनका आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है भाई, क्या करना है सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाना है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है टॉपिक की उनको आपको लिखना है सबसे पहले, छोटी छोटी फिजिक्स केमिस्ट्री को तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन पर सबसे पहले फोकस करें आप। कि केमिस्ट्री में जैसे आपके ऐसा ही मात्रक होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे ऐसा ही मात्रक हो गया, जूल, ये सब जोड़े और इनके साथ साथ जो आपकी इकाइयाँ वगैरह होती है, यूनिट वगैरह होते हैं, इनको आपको जो है छोटे छोटे चीज़ों में आपको लिखना है एग्रीकल्चर में और केमिस्ट्री में, इनकी छोटी छोटी चीज़ों के आपके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में 10 से 15 मिनट को डेली रिवीजन करना है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, दोनों का डेली आपको डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट इनका रिवीजन करना है। और इनके जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं आपके फिजिक्स के, छोटे छोटे फॉर्मूले हो गए आपके केमिस्ट्री के, तो इनको आपको याद रखना है। और एग्रीकल्चर का जो नया डाटा है उस पर भी आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो इससे आपके क्या होंगे लास्ट के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लास्ट का जो एग्जाम का टाइम रहता है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट के टू मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये आप इतने फंडा आप अपना सकते हो, इतने सारे जो मैंने बता रखे कि सिलेबस कैसे मैनेज करना है, टॉपिक कैसे मैनेज करना है, अगर आपने इतना कर लिया तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और थ्योरी पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी जो है पढ़नी है किसी भी टॉपिक की आपको, एग्रीकल्चर तो मेन तो आपका थ्योरी का टॉपिक है, तो एग्रीकल्चर में अगर आपको और बायोलॉजी ये दोनों में आपको कमांड बनानी है तो थ्योरी भी आपको पकड़ करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके जो है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे। बाकी आपके जो रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री इनमें अधिकतर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाए भाई, सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तब जाके ये बेसिक चीज आपकी क्लियर हो पाएंगी। और डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट इनको रेगुलर दें भाई, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप जो इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो मैंने आपको जो लास्ट के टाइम थे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, और जो इसका कट ऑफ का जो आपका सिलेक्शन का मिनिमम सेफ नंबर थे वो भी मैंने आपको बता दिए फॉर बीएससी एग्रीकल्चर और फॉर बीटेक के लिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लोग लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।